रामपति जी जो हैं उनका मकान कच्चा जो बारिश सीजन में गिर जाता है, और इन्हीं मकान कच्चा होने के जरिए से इनकी बच्ची छप्पर के नीचे सो रही थी और जहरी विषैले क्या नाम जीव ने इनको डस लिया और उनकी बच्ची का देहांत होता। यदि घर पक्का होता इनका या इनको कॉलोनी मिली होती तो शायद इनके साथ जो हादसा हुआ है ये ना होता। इनके अलावा भी यहाँ पार्वती, राम सजीवन और भी तमाम महिलाएं हैं, दलित परिवार के लोग हैं, जिनको इन सब चीज़ों से वंचित होना पड़ रहा है। कौशाम्बी जनपद के कड़ा ब्लॉक के ग्राम पंचायत अम्बाई बुजुर्ग में 200 दलित परिवारों के यहाँ आवास न होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर मैंने जनवरी 2014 में एक वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद मैंने समुदाय के साथ मिलकर काफ़ी संघर्ष किया, तब जाके यहाँ बदलाव आया। आपके यहाँ पहले क्या समस्या थी? पहले यह समस्या रही कच्चा घर। कैसे आपका कच्चा घर पक्का बना? अरे महेश वीडियो बनाई है तो सब लोग मिल के गए ब्लॉक, वीडियो साहब से कहा तो फिर उनसे सबको मिल के नी एप्लीकेशन दिया। कितने लोग गए थे? गवा 10-15-20 आदमी। पक्का बन गया घर तो अब अच्छा रहा, अच्छे से रही थी। इनके मजे से हमको कॉलोनी दी, इनका हम धन्यवाद देते हैं। आपके यहाँ पहले क्या समस्या थी? कच्चा घर रहा। ये समस्या बताइए किस तरह हल हुई? महेश ने वीडियो बनाई और उसके एप्लीकेशन दिया। मैं ग्राम सभा अम्बाई के लोगों का आवास का आवेदन दिलवाने आया था, अधिकारी ने तो आवेदन लिया लेकिन इंटरव्यू देने से मना कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह बदलाव लाने में सफल रहूँ और कम्युनिटी के लोग भी साथ देते रहें। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।